तो दोस्तों Redmi में 12 सीरीज बहुत जल्द चाइना में लॉन्च होने वाली है, उसमें एक बजट कैटेगरी की स्मार्टफोन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों Redmi लाइन अप में आपको ऑलराउंडर एंड फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं, ऑलराउंडर का मतलब होता है फोन में जो कैमरा, डिस्प्ले, प्रो बैटरी सब कुछ आपको सुपीरियर देखने को मिल जाए, और फोन का जो लोकल डिजाइन है वह भी काफी अमेजिंग देखने को मिल जाए। अगर आप Redmi की आप अपकमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, वह भी नोट लाइन का, तो Redmi में 12 Pro के बारे में आज आपको बताएंगे कि कब तक और कितने प्राइस में आएगा। इस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगा कि यह वीडियो इसी पर बेस्ड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि कैमरास की, तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा मिलता है, यानी तीन कैमरा आपको बैक साइड पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सोनी का लेटेस्ट सेंसर दिया गया है फोन में, इससे आप फोटो एंड वीडियो को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही में आप अल्ट्रा रेजोल्यूशन में 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट में Redmi ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे डुअल मोड रिकॉर्डिंग, AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो, मेन जूम और पैनोरमा और HDR जैसे खास पिक्चर्स भी आपको दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, इससे आप 100p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन की, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज वीडियो पर एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो डिजाइन दिया गया है वह आई डिजाइन देखने को मिलता है, जो की डिजाइन जो है वह एक्सट्रीम देखने को मिलता है। फोन जो है वो डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। बैक साइड पर आपको यहाँ पर ट्रिपल ईयर कैमरा मिलता है, वही पेडस्टल का सपोर्ट है, वो नीचे की तरफ Redmi का ब्रांडिंग दिया गए हैं। और अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.7 इंच का आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो एमोलेड होने से जैसे कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, और डिस्प्ले में आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले में क्वालिटी ओवरऑल आपको काफी अच्छी मिलती है, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है, और डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। डिस्प्ले काफी स्मूथ रहेगा आपका। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 6 Ninghi दिया गया है, जो कि 5G को सपोर्ट करता है, क्योंकि 6 में बेस्ट प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आप इजीली गेमिंग कर सकते हो। तो यह बता दो आपको, यह जो प्रोसेसर है कि नॉर्मली आप यहाँ पर आराम से गेमिंग कर सकते हो, एकदम नया प्रोसेस है। और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वह भी कम होगा, 4GB एंड 64GB का जो प्राइस लगभग 15,000 रुपए के आसपास होगा, 4GB 128GB का प्राइस लगभग 16,000, और 6GB 128GB का प्राइस लगभग 17,000, और 8GB 256GB का जो प्राइस है वह 18,000 से 19,000 रुपए के आसपास होगा। तो यह 5G स्मार्टफोन होगा, और फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट का सपोर्ट दिया गया है। बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, और 3W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। बात करते हैं एडिशनल फीचर की, तो 3.5mm ऑडियो जैक एंड डुअल स्टेरियो स्पीकर का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्राइस के बारे में बता दिया है, और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट। तो नवंबर 2022 को स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कमेंट कर बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी, क्या आप इस स्मार्टफोन का वेट करेंगे कमेंट में हम जानना चाहेंगे। वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।